केंद्र सरकार की नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए मोहन यादव भी दिल्ली पहुंचे और कहा गया कि नीति आयोग की बैठक में मध्य प्रदेश को लेकर कुछ बड़ा डिसीजन हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश को लेकर बजट में जो केंद्र सरकार का बजट आया, ऐसे अलग से कोई प्रावधान नहीं आया। हालांकि बाद में उसमें ये बात निकलकर सामने आई और ये भी कहा गया कि नीति आयोग की जब बैठक होगी तो राज्यों के लिए जो निर्धारण होगा उसमें मध्य प्रदेश के खाते में या मध्य प्रदेश को काफी कुछ मिलेगा। यही वजह है कि मीटिंग में जाने से पहले मोहन यादव भी बड़े उत्साहित नजर आए। क्या कुछ कहा उन्होंने मीटिंग से पहले, जिसको लेकर उन्होंने साफ कहा कि मध्य प्रदेश को लेकर ठीक होगा, सुनिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नीति आयोग की बैठक होने जा रही, मैं स्वयं उसमें शामिल होने जा रहा हूं। और जैसा कि हमने सबने देखा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे देश पे ध्यान दिया जा रहा, दुनिया में भारत की इज्जत बढ़ी है, मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके बढ़ना चाहता है। इसी कारण से मैं स्वयं भी मध्य प्रदेश की ओर से आज इस बैठक में शामिल हो रहा हूं और हमारे कई सारे अलग अलग प्रकार के नवाचार भी है, कई काम हमारी सरकार ने किए भी है, कई करने की संभावना भी है। उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी कामों में सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। तो मोहन यादव खासे उत्साहित नजर आए मीटिंग में जाने से पहले। ये आपको बता दें कि नीति आयोग जो है राज्य के लिए योजनाओं का निर्धारण करता है, राज्य के लिए विशेष तौर पर मिलने वाली जो भी फंड है, प्रावधान है, उसको लेकर भी नीति आयोग में बात रखी जाती है। तमाम राज्यों के सीएम नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए। हालांकि इंडिया गठबंधन को समर्थन करने वाले दल के सीएम कई राज्यों के वहां नहीं पहुंचे, लेकिन मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जरूर पहुंचे। वो दिल्ली पहुंचकर बैठक में शामिल भी हुए, उन्होंने मध्य प्रदेश को लेकर अपनी बात भी रखी। जैसे मैंने आपको बताया कि नीति आयोग की बैठक से मध्य प्रदेश को बहुत कुछ मिलने की उम्मीद है। यही वजह है कि सीएम मोहन यादव भी मीटिंग को लेकर उत्साहित नजर आए और साथ ही साथ मध्य प्रदेश को लेकर तमाम योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए भी नीति आयोग से राह बन सकती है। अब देखना यह होगा कि नीति आयोग की बैठक से क्या क्या मध्य प्रदेश को मिला। आप देखते रहें अभी तक।